में आ गई है, जो सैलाब के सूरत में आई है, जो अंदरून सिंध पूरा का पूरा डूबा हुआ है, ऑलरेडी वहाँ पर कहानी सूरत हाल से वो लोग गुजर रहे हैं, उससे खुदारा उनको निकाले। जुनूबी पंजाब में भी यही सिचुएशन है, बलूचिस्तान के बहुत बुरे हालात है, बलूचिस्तान से रब्ता कट चुका है, बलूचिस्तान से लोग आगे पीछे मूव नहीं हो पा रहे। KPK में आज जो हुआ है, जितना नुकसान आज हुआ है, हमें बड़ा दुख हुआ इस पर कि ये कंटिन्यूसली सैलाब आते रहते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आज हम इंतहाई अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों की नॉलेज में होगा कि पूरा का पूरा पाकिस्तान इस वक्त पानी में डूबा हुआ है, डूब चुका है। ज़रा सी बारिश आती है, ज़रा सा पानी आता है, ज़रा से जलजले के झटके आते हैं। पाकिस्तानी आम शहरी जो कि इस पाकिस्तान का मालिक, जो कि भी किसी भी स्टेट का मालिक उसका शहरी होता है, उसके ऊपर इंतहाई शदीद किस्म के उनको नुकसानात का सामना करना पड़ता है। उनको अपने घरों से हाथ धोने पड़ते हैं, उनको अपने बच्चों को और उन घर वालों को मुश्किल में डालना पड़ता है, उनकी रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, तमाम जो मसाइल पेश आते हैं पाकिस्तान के गरीब आवाम को दरपेश होते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जो नुकसान होता है वो पाकिस्तान के आम शहरियों का, जो भी मुसीबत आनी होती है वो आम शहरियों पे आते हैं, हमारे हुक्मरानों पे कभी नहीं आते। क्यों? सोचने वाली बात है। मैं ये नहीं कहता कि उनके ऊपर आए, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात मेरे जहन में आ रही है। और आम शहरी गलता रहे, सड़ता रहे, मरता रहे, परेशानियों में मुबतला, बीमारियों में मुबतला, वो हर किस्म की तंगी में मुबतला हो, हमारे हुक्मरानों के कानों पे चूँ की तू नहीं रेंगती। हमें 75 साल आज़ादी के हो गए हैं, लेकिन अब भी हम ग़ुलाम के ग़ुलाम हैं। क्यों? क्योंकि हमें आज़ादी बराए नाम मिली है, हमें आज़ादी दिल और दिमाग से नहीं दी गई है, हमें फिर भी दबा के रखा गया है। हमारे अपनों ने हमें दबा के रखा हुआ है, हमारे अपनों ने हमें ग़ुलाम बना के रखा हुआ है। मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान, ये मादरे वतन जो के तमाम तर वसाइल से माला माल है, अल्लाह ने उसको इस मादरे वतन को कुदरती हुसन से माला माल किया हुआ है। तमाम दुनिया के लोग जब यहाँ आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें यहाँ से जाने का दिल नहीं चाहता हमारा, इतना खूबसूरत और इतना दिल फरेब मुल्क अल्लाह ने हमें अता किया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास वसाइल कौन से मौजूद नहीं है, हर वसाइल से माला माल है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क, लेकिन बावजूद इसके हमारे मुल्क के लोग बेरोज़गार हैं, हमारे मुल्क के लोग भूखे हैं, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, इलाज मुआलजे की सहूलतें नहीं मौजूद उनके पास। क्यों ऐसा होता है हमारे मुल्क के गरीब आवाम के साथ, हम पाकिस्तानियों के साथ ऐसा क्यों होता है? हमें सोचना चाहिए। हम अंधाधुन इनके पीछे भागते रहते हैं, लेकिन ये सारे अपने मफाद के लिए आते हैं, अपना मफाद लेते हैं और चले जाते हैं। हमें कभी किसी ने सही मायने में तरक्की नहीं देना चाहिए। हमें सड़कें बना के, हमें स्कूल्स की दीवारें बना के, हमें छोटे मोटे कंस्ट्रक्शंस करके ये लॉलीपॉप दिए जाते हैं। असल में जो स्ट्रक्चरल आपकी जो ग्रोथ होती है वो जो करनी चाहिए एजुकेशनल, टेक्निकल एजुकेशनल के बेसिस पर, वो हमारे यहाँ नहीं की जाती। बाहर के ममालिक में आप देखें, वो हमसे अगर 10-15-20 साल पीछे भी होंगे तो हमसे वो कई गुना आगे निकल चुके। क्यों? क्योंकि वो अपनी तालीम को, अपने बच्चों के हर शहरी को टेक्निकल एजुकेशन में बहुत आगे रखते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ भारत की। हमारे जिनको आप हरीफ समझते हैं, जिनको आप दुश्मन कहते हैं, हमें हमेशा से हमारा खून गर्माते हैं कि ये हमारे दुश्मन हैं, लेकिन क्या एक लम्हे के लिए अगर मैं सोचूं कि हमारे दुश्मन, उन्होंने अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन में इतना आगे ले गए कि पूरी दुनिया में पैसा कमा रहे हैं वो टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू, हम लोग क्यों पीछे रह गए? अगर हमारे पास वसाइल उनसे ज़्यादा है
हमारी पॉपुलेशन उनसे बहुत कम है, बावजूद इसके कि उनकी पॉपुलेशन हमसे 6 गुना ज़्यादा है, उसके बावजूद वो हमसे आगे निकल चुके हैं। 65% उनकी इकोनॉमी हमसे अच्छी ग्रोथ कर चुकी है। वो दिन ब दिन आईटी एक्सपर्ट, वो दुनिया में आईटी एक्सपर्ट्स के नाम से पहचाने जा रहे हैं। क्यों, हमें क्यों पहचान नहीं मिली? अगर हमें पहचान मिलना देना चाहते होते हमारे हुक्मरान तो कब का दे चुके होते। बात हमारे मुल्क में आ गई है जो सैलाब के सूरत में आई है, जो अंदरून सिंध पूरा का, वहाँ पर पहले से भूख अफलास इतनी ज़्यादा थी, आज वहाँ पर सैलाब आया हुआ है। आज 10 दिन हो गए वहाँ पर सैलाब आया हुआ है। मैं कंटिन्यूसली वीडियोस पे वीडियोस देखे जा रहा हूँ कि उन लोग रो रहे हैं, लोग फरियादें कर रहे हैं, लोग मिन्नतें कर रहे हैं, उनको पानी से रेस्क्यू तक नहीं किया जा सक रहा है। क्या कर रही है यहाँ पर 30 साल से गवर्नमेंट बैठ के, मुझे ज़रा सा बताया जाए। एक सवाल करो तो आगे से फिर आपको थ्रेट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो खुदारा इन चीज़ों को ख़त्म करो, अल्लाह का खौफ पैदा करो अपने दिलों में, थोड़ा सा थोड़ी सी खिदमत कर लो इस आवाम की। कहानी सूरत हाल से वो लोग गुजर रहे हैं, उससे खुदारा उनको निकाले। जुनूबी पंजाब में भी यही सिचुएशन है, बलूचिस्तान के बहुत बुरे हालात है, बलूचिस्तान से रब्ता कट चुका है, बलूचिस्तान से लोग आगे पीछे मूव नहीं हो पा रहे। KPK में आज जो हुआ है, जितना नुकसान आज हुआ है, हमें बड़ा दुख हुआ इस पर कि ये कंटिन्यूसली सैलाब आते रहते हैं। हम इतना नहीं कर सकते हैं कि डैम बनाकर इस पानी को, इस कुदरती आफात तो हैं लेकिन हम पानी को रोकने के हम कोई ऐसे रास्ते बनाएं, हम ऐसे कोई तरीका कार बनाएं, हम ऐसी कोई सॉल्यूशन बनाएं कि जिससे कि इसका प्रेशर थोड़ा सा स्लो हो सके। ये जितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, हर आने वाले साल के साथ इनका ये नुकसान थोड़ा थोड़ा कम होता रहे, ताकि हमारे पाकिस्तान जो पहले से लहू लहान है, उसका लहू और ज़्यादा बहने से रोका जा सके। मेरी तमाम हुक्मरानों से और आवाम पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि खुदारा हम सबको सोचना चाहिए, हम सबको अपने अपनी जगह पर सोचना चाहिए कि जो हो रहा है वो क्यों सही नहीं हो रहा, और जो हुक्मरान कर रहे हैं उसको कैसा सही किया जा सकता है। हुक्मरानों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ आपसे, और तवक्का रखता हूँ कि आप ज़रूर इस मामले में सोचेंगे और आवाम पाकिस्तान को थोड़े से उनको रिलीफ देंगे। मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ और आपका शुक्रगुजार रहूँगा अगर इस रेस्क्यू के अमल को तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जाए और तमाम उन सैलाब मुतासरीन अफराद को जो कि सैलाब से मुतासर हुए हैं उनको रिलीफ दिया जाए, उनको दोबारा से शेड्स दिए जाएं, उनको रिलीफ कैंप्स में मूव किया जाए और उनको खाने पीने की अशिया को यकीनी बनाया जाए। शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान।